चार ट्रेन थे कोई नहीं। अब रिडक्शन कौन से ट्रैक्टर का लगा ना भारी है ये स्पेशल होते हैं इसमें फिलिप्स प्लेट है ना दोनों पे ना फिलिप्स प्लेट है निकल भी दोनों साइड में अच्छा अच्छा रुकिए चाचा रुकिए मजा। किसान भाइयों आज मैं आपको फीएट 65 ट्रैक्टर की जानकारी देना चाहता हूं थोड़ी सी जो मुझे पता है। जैसे शानदार डैशबोर्ड है और इसके अंदर जो है एक ही लीवर यानी कि हाई और लो मीडियम जो लीवर आता था उसमें रिवर्स सिस्टम दे रखा है। ऊपर की तरफ हाई है और नीचे की तरफ लो है और इसी के अंदर जो है रिवर्स गियर दे रखा है और जो दूसरा लीवर है उसके अंदर दे रखा है एक दो तीन और चार यानी कि ये ट्रैक्टर जो है 8+4 यानी कि 12 गियर में है। इधर आगे हाई हो गया नीचे इसी लीवर के अंदर जो है लो का गियर हो गया और इसी में जो है राइट साइड करके आगे की तरफ करोगे तो रिवर्स गियर बन गया यानी कि हाई लो और रिवर्स इसके अंदर हो गए 3 गियर और जो दूसरा साइड में लीवर रह गया इसके आगे बराबर वाला ये वाला इसके अंदर 1, 2, 3, 4 हो गया यानी कि 4 गियर इधर से हो गए हाई और लो के और रिवर्स में अगर उधर से लगा लेंगे तो यही 4 गियर जो इसके रिवर्स हो जाएंगे 8+4 गियर के साथ है। और ये जो है इसकी हाथ के अंदर क्लच दे दी और इधर जो है इसका राइट साइड लेफ्ट साइड का ब्रेक है और इसी तरह से उधर जो है इसका राइट साइड का ब्रेक है और ये जो दोनों बीच में हैंडल रह गए लीवर के आगे इन दोनों लीवरों से ट्रैक्टर लेफ्ट राइट मुड़ता स्टीयरिंग का काम करेंगे। ये इसका जो है टेम्परेचर मीटर है ये इसका फ्यूल टैंक का मीटर और वो इसका जो है ऑयल प्रेशर का मीटर ये चाबी होगी और ये यहाँ पे होगी इसकी हाथ वाली रेस और बैटरी इसकी फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई है लेकिन जो इसकी बैटरी जो है रेडिएटर के आगे रखी जाती है जैसे अक्सर आपको लैंड में रखी मिलेगी और बोनट काफ़ी लंबा और चौड़ा है और बनावट भी इसकी काफ़ी शानदार है। ट्रैक्टर की लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही है क्योंकि इसको चैन से ऑपरेट कर रखा है। Thank you.
में एक बार चला के देख लो आप भी। चलाया नहीं ये वीरान टूट जाएगा से। और ये भाई छोटा होने के बावजूद भी ट्रैक्टर इतने हाइट ले गया कि साइलेंसर गाड़ी में लोड करते टाइम साइलेंसर खोलना पड़ेगा, फिर इसको चढ़ाएंगे। हाथ मत चला लेना। और कपड़ा है क्या? कपड़ा और है क्या? पुराना जो निकाल गए। उस तो बचाइयो कदे सीट ना चला देवे।
गियर लगा देना, गियर लगा के इसका आगे, हां हां वो आगे वो निकल के ये तो कलच का काम यहां ये निकल लो ठीक है। ये नाव में तुम गाने स्टार्ट करते हो, एक बार स्टार्टिंग दो गियर ऑयल अपना तकरीबन सारा चेक कर लीजिए। हां वो ही कर सकते हैं, ये ना हो पर आप बढ़िया थी बात आगे लिए मोटा। किसान भाइयों ये चेयर वाला ट्रैक्टर जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था वो आज हमने सेल करवा दिया है और ये हमारे इंडिया में ही गया सेल हो गए और इसकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे जब ट्रैक्टर पूरा तैयार हो जाएगा मॉडिफाई होने के बाद में, और हो सकता है इसकी चेन वगैरह भी हम चेंज करा दे। जो झोना काटने वाली यानी कि धान काटने वाली कंबाइन हार्वेस्टर आती है उस पर रबड़ की चेन होती है जिसके द्वारा हम इसको रोड पे भी चला पाएंगे, और अगर कच्चे में चलाएंगे तो इसके ऊपर और ज़्यादा कामयाब रहती है क्योंकि वो रोड वगैरह नहीं फाड़ेगी। और देखते हैं जो जो इंप्लीमेंट्स के अंदर जो जो इसके अंदर चेंज होंगे वो हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसान वही इसी तरह से अपने चैनल के साथ बने रहिएगा, और जो किसान मित्र हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे थे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा लें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं किसान मित्रों नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया से एग्रीकल्चर ट्रैक्टर या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत।